अखाड़ा में आज सबसे पहले बात खालिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। इस पर पूरी तरह फोकस बनाए रखेंगे। खालिस्तानी आतंकी का समर्थन कर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह फंस गए हैं। दुनिया भर में भारत के एक्शन का समर्थन हो रहा है तो कनाडा बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। उधर कनाडा में खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा भी एक एक करके फ्लॉप हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश पर भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इस सब के बीच भारत के एक्शन से खालिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। वो शायद समझ गए हैं कि भारत को छेड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और यही एहसास कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भी होने लगा है। अब कनाडा के वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। खालिस्तानियों ने लोगों को प्रदर्शन में पहुंचने के लिए भारी भरकम पैसा भी दिया, बहुत ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश की, पर इसके बाद भी 50 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। लोगों के प्रदर्शन से दूरी बनाने से साफ है कि कनाडा में खालिस्तानियों की ताकत कम होती जा रही है और साथ ही उनका ये एजेंडा पूरी तरह से पस्त दिख रहा है। गिने चुने लोग वहां पहुंचे, बाकियों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया इस एजेंडा को। करीब 8 लाख सिख कनाडा में बसे हैं, सिर्फ 75 पहुंचे हैं। आप सोच लीजिए सिखों की तरफ से इससे ज़्यादा बड़ी आवाज़ क्या हो सकती है, रिजेक्शन की आवाज़ क्या हो सकती है। साथ ही भारतीय मूल के जितने वहां पर कनाडा के लोग हैं कोई भी वहां नहीं पहुंचा, यहां तक कि पाकिस्तानी भी नहीं पहुंचे। कनाडा में खालिस्तानियों का मंसूबा नाकाम। भारत के खिलाफ प्लान फ्लॉप। कनाडा में खालिस्तानियों का फ्लॉप शो। ये कनाडा के वैंकूवर की तस्वीरें हैं जहां भारत के खिलाफ प्लान को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी समर्थकों ने एड़ी चोटी एक कर दी थी। सोशल मीडिया से लेकर शहर के चौक चौराहों पर समर्थन जुटाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए गए, लेकिन वैंकूवर में भारत के खिलाफ खालिस्तानियों का प्लान कैसे फ्लॉप हुआ, अब जरा वो भी देखिए। खालिस्तानियों ने कनाडा के वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर भारत के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कितने खालिस्तानी समर्थक पहुंचे वो भी देख लीजिए। सारे तामझाम के बावजूद इंडियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग के सामने खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन के लिए मुश्किल से 30 समर्थक भी जुटा नहीं पाए और प्रोटेस्ट का ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। इस प्रोटेस्ट के लिए खालिस्तानियों ने बड़ी तैयारी की थी। वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर इस प्रोटेस्ट को लेकर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी, लेकिन मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थकों के पहुंचने पर पूरा प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। अब जरा ये देखिए कि कनाडा में भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान की ओर से कैसे प्लान बनाया गया था। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान से 30 से ज्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। सोशल मीडिया पर इन तमाम प्लेटफॉर्म पर एजेंडा पाकिस्तान से चल रहा है। भारतीय एजेंसियां 30 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक और आतंकी भारत के खिलाफ इस प्रदर्शन को पूरे कनाडा में रह रहे सिखों से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कनाडा के सिख समुदाय में के ग्रुप यानी मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ गुस्सा है। कनाडा में कुल 250 गुरुद्वारे हैं जिसमें सिर्फ 30 गुरुद्वारों में खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा है, यानी कनाडा के गुरुद्वारों का खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन का दावा पूरी तरीके से गलत है। यही नहीं, कनाडा में सिख समुदाय की कुल आबादी करीब 7.5 लाख है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों की गिनती 10,000 से ज्यादा नहीं है। इनमें भी केवल 5,000 ऐसे हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के कट्टर समर्थक हैं। मतलब ये कि कनाडा में ट्रूडो के समर्थन से खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें कनाडा में सिख समुदाय का समर्थन मिल रहा है और ना ही खालिस्तानियों के समर्थन में आया ISI का मंसूबा कामयाब हो रहा है।
अब वहीं खालिस्तानी आतंकियों से संबंध पर कनाडा सरकार का बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और वहां के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है। देश के युवाओं के विदेश में बसने की चाहत को खालिस्तानी आतंकियों ने खूब भुनाया और साजिश करके एक नेटवर्क तैयार किया। साथ ही पंजाब में देवेंद्र बम्बिया गैंग, अर्श डल्ला, लखबीर लांडा जैसे गैंगस्टरों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब इस दावे के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों की कनाडा के अधिकारियों से सांठ गांठ है और इसकी मदद से उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्टिव वीजा दिलवाया। यही नहीं, खालिस्तानी समर्थकों को राजनीतिक शरण भी दिलाया, जिसके पीछे एक राजनीतिक पार्टी का भी नाम अब सामने आ रहा है, जिस पर सिफारिशी पत्र के बदले 1-2 लाख रुपए लेने का आरोप भी है। बड़ी खबर आ रही है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग सप्लाई होती है, इससे होने वाली कमाई का हिस्सा कनाडा में बैठे आतंकियों तक भी जाता है। इसी पैसे के दम पर खालिस्तानी आतंकी कनाडा में भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। तमाम सबूत होने के बावजूद कनाडा सरकार चुप्पी साधे हुए है। अब खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा पर्दाफाश। ड्रग्स के कारोबार से खालिस्तानियों को फंडिंग। ड्रग्स के पैसों से आतंकी साजिश। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पंजाब से कनाडा तक जारी जांच में हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। जांच के दौरान एक और नया और अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब खालिस्तानी आतंकियों का ड्रग्स एंगल सामने आया है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में ड्रग्स का अरबों का कारोबार चला रहे हैं। इसके बाद जहर बेचकर कमाए इन पैसों को हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जाता है, जहां से पंजाब और भारत के कोने कोने में माहौल खराब करने के लिए टेरर फंडिंग की जाती है। ISI लगातार कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकियों को एकजुट करके पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ इसमें अहम भूमिका निभाता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस ड्रग्स को बेचने के बाद उसमें से एक बड़ा हिस्सा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों तक जाता है। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अपने नशीले पदार्थ का कारोबार वहां भी बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स और जबरन वसूली से कमाए गए पैसे से अब ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी राजनीति के चलते साल 2022 में कनाडा के एक बड़े नेता रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर लगा था। वहीं कनाडा सरकार ने तमाम सबूत होने के बावजूद हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। साल 2016 के बाद पंजाब में सिखों हिंदुओं की टारगेट किलिंग खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और उसके सहयोगियों की करतूत थी। कनाडा में अपने बढ़ते दबदबे से उत्साहित आतंकवादी अपराधी गठजोड़ ने विदेश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को खुलेआम डराना और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यही नहीं, कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कनाडा सरकार की ये चुप्पी बताती है कि मानवाधिकार को नापने के लिए उसके दो अलग अलग पैमाने हैं, जहां पंजाब में छोटे छोटे मुद्दों पर भी कनाडा सरकार मजबूती के साथ आवाज उठाता है, तो वहीं कनाडा में चल रहे आतंकवादी अपराधी गठजोड़ पर उसकी चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है।